हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रश्मि शर्मा का नया सीरियल आने वाला है कलर्स टीवी पे। उसी की कुछ डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विवियन डिसेना इसमें प्ले कर रहे हैं मेन लीड, तो गाइज वही प्ले कर रहे हैं इस शो में मेन लीड। और अभी शो का नाम भी है डिसाइड हो चुका है। तो शो का जो नाम डिसाइड हुआ है वो है सिर्फ तुम। और फीमेल लीड की बात करें तो ईशा सिंह प्ले कर रही हैं शो में फीमेल लीड, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था और अभी कंफर्म्ड भी है। शूटिंग वगैरह इसकी जो है स्टार्ट हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव लुक जो है आप देख सकते हैं दोनों ही करेक्टर्स की, ये शो के सेट से है। अब हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं किस तरह की कहानी होने वाली है। तो गाइस बेसिकली एक लव स्टोरी होने वाली है। अब हम दोनों के करेक्टर्स की बात करें तो पहले विवियन डिसेना के करेक्टर की बात करें तो उनके करेक्टर का नाम होने वाला है रणवीर। तो रणवीर नाम का करेक्टर होगा और उनका जो करेक्टर होगा उसका नेचर काफ़ी गुस्से वाला होगा। तो काफ़ी गुस्से वाला, रेज वाला, इस तरह का करेक्टर विवियन डिसेना का होने वाला है। वैसे पहले भी वो इस तरह के गुस्से वाले किरदार जो हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से निभा चुके हैं और उनका जो गुस्सा है वो शांत कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये जो दोनों ही लीड्स होंगे यंग लोग होंगे, यंगस्टर्स होंगे और इनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अब हम ईशा सिंह के किरदार की बात करें तो उनके करेक्टर का नाम होने वाला है सुहानी। तो सुहानी उन नाम होगा उनके करेक्टर का और वो काफ़ी ज़्यादा काम लड़की का रोल प्ले करने वाली हैं। सिंपल काम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर होने वाला है उनका। और ईशा सिंह का फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो कलर्स टीवी पे कोई शो कर रही हों। इश्क का रंग सफ़ेद नाम का सीरियल आया करता था कलर्स टीवी पे जिसमें ईशा सिंह हुआ करती थी। और ईशा सिंह का ये कहना है कि कलर्स टीवी के साथ रीयूनाइट होकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए शो के थ्रू ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। तो बेसिकली जो शो का कॉन्सेप्ट है, जो शो की कहानी है, वो इस तरह की है। ये दोनों जो लोग हैं, दोनों ही लीड्स जो हैं, इनके करेक्टर एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो इनका नेचर है, वो एक दूसरे के पूरा ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी इनको एक दूसरे से हो जाता है प्यार। तो इसी तरह का रोमांटिक ये शो होने वाला है, लव स्टोरी ये शो उनकी होने वाली है। तो इस तरह का कुछ इसका मेन कॉन्सेप्ट या स्टोरी जो है वो इस तरह की होने वाली है। और दोनों के करेक्टर्स किस तरह के होने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो मेकर्स का और ईशा सिंह का ये कहना है कि ये जो शो है ये सारे ही एज ग्रुप से अपील करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज वालों को अच्छा लगेगा, मिडिल एज वालों को, या फिर सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बना है। सारी एज ग्रुप्स के लिए अपील करेगा ये शो। और अब अभी के लिए कलर्स टीवी ने डिसाइड नहीं किया है कि इसको टाइम स्लॉट कौन सी देनी है, लेकिन अब आने वाली जो TRP आने वाली है अगले एक दो हफ्तों की, वो जो है डिसाइड करेगी कि इस शो को कौन सी टाइम स्लॉट मिलेगी, ये कौन से दूसरे शो को रिप्लेस करेगा और कलर्स का कौन सा दूसरा शो है जो कि ऑफर जाएगा इसके लिए जगह बनाने के लिए। तो गाइज अभी के लिए इसका शूट जो है स्टार्ट हो गया, प्रोमो वगैरह की शूटिंग भी हो गई है और आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिल जाएगा इसका प्रोमो। नाम जो है सीरियल का वो सिर्फ तुम है, सिर्फ तुम शो का नाम है, काफ़ी सिंपल सा छोटा सा नाम है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं। शेयर कर दीजिए विवियन डिसेना ईशा सिंह के फैंस के साथ और कलर्स टीवी के फैंस के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट इसी शो पे सारी जो अपकमिंग न्यूज़ आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा, जैसे कि क्या टाइम स्लॉट है, कौन से दूसरे शो को रिप्लेस कर रहा है, वो सब आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, जब मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, इसकी और न्यूज़ के साथ मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।